गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आरज़ू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी अतिका रहती है, उसको ये पता चलता है कि अब शनाया शादी कर रही है, और ये बात सुनकर तो उसका और दिल टूट जाता है। और वो ईरा के पास जाकर ये भी कहती है कि मुझसे बात करो, पर ईरा कहती है कि नहीं, वो अब फैमिली वाली गर्ल हो चुकी है और अब वो इतना टाइम और इम्पोर्टेंस नहीं दे रही रहती। वो आरफ के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश रही थी क्योंकि आरफ उसकी बहुत अच्छे से टेक केयर कर रहा था। यहाँ पर शनाया अपनी वो शादी का चल रहा रहता है और दूसरी तरफ जो अतिका रहती है उसे शनाया जाते हुए दिख रही रहती है, तो उसे बहुत हर्ट होता है। अब उसके आगे मॉर्निंग का टाइम रहता है जहाँ पर जो अतिका रहती है वो अपनी मॉम के पास बैठी रहती है, और उसकी मॉम जब थोड़ा सा ठीक होने लग जाती है, वो अपनी मॉम की तरफ देख के बोलती है कि आप ठीक हो? तो उसकी मॉम कहती है, मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारी आँखों में डार्क सर्कल्स, आँखें इतनी लाल, क्या हो गया? तो कहती है, मॉम मेरे हाथ से कुछ गलतियाँ हो गई हैं, मैं उस गलतियों को सुधारने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ बट वो गलतियाँ सुधर नहीं रही हैं और मैं एक तरीके से ट्रैप हो चुकी हूँ। तो उसकी मम्मी कहती हैं, कोई भी इंसान ट्रैप नहीं होता है बेटा, सब चीज़ का सलूशन होता है, तुम सही से देखो, होश में देखो तो तुम्हें पता चलेगा, तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें हर एक चीज़ का सलूशन दिखेगा और सब कुछ जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएगा। कहती है, मॉम आई एम ब्लैंक, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तो कहती है, बेटा जवाब जब सारे दरवाजे बंद हो तो एक दरवाज़ा खुला रहता है, तुम्हें बस उस रोशनी की तरफ देखने की ज़रूरत है जब अंधेरा हो, और अगर जब सारे दरवाजे बंद है थोड़ा सा अपने आप को टर्न करके दूसरे डायरेक्शन में सोचो तो शायद तुम्हें गेट खुला हुआ भी दिखे। इफ़ बोलते ना, यहाँ देर है नहीं, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, उसी तरीके से जीवन में भी जब सारे रास्ते बंद होते हैं तो एक रास्ता खुला रहता है, देखो ध्यान से। तो कहती है, ठीक है मॉम। और इस तरीके से वो अपनी मॉम से थोड़ा सा दूर होकर ही बात करती है। फिर शनाया आ जाती है और इस बार विकास सर के साथ आती है, सारा ट्रीटमेंट होता है। और यहाँ पे शनाया एकदम से बोलती है कि अब मैम तो काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स अच्छी आ रही है सर, अब क्या करना है। अधिका से भी वो विकास सर सब बताते हैं, वो कहते हैं कि कल इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और आप घर ले जाइएगा, घर पर इनका प्रॉपरली ट्रीटमेंट करिएगा और सब कुछ हो जाएगा, और लॉकडाउन भी अब लगभग खुलने की ही कगार पर है। तो वो कहती हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद जो शनाया के पास अधिका जाकर बोलते हैं कि थैंक यू, तो शनाया बस एक चीज़ स्माइल करते बोलते हैं, वेलकम मैम, मैम मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। तो अधिका कहती है, हाँ मैं सुनना ही चाहती हूँ, बोलो। तो कहती है, मैम आई हैव टू गो, आई एम गोइंग टू माई होम टाउन, एज मतलब लॉकडाउन है, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब मैं फिर से रिजॉइन करूँगी आपकी मतलब इंटर्नशिप, और हो सकता है मे बी वो शादी की वजह से थोड़ा सा डिले हो जाए, लाइक 1 or 2 weeks, तो आप प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ। तभी अधिका ये जब सुनती है तो एकदम से बोलती है, तुम शादी कर रही हो? तो वो कहती है, इस बारे में हमारी बात हो चुकी है ना मैम कि शादी होने वाली है, बस 1 या 2 हफ्ते का डिले हो सकता है, आई मीन 15 days डिले मान लीजिए क्योंकि शादी हुई। तो कहती है, तुम बहुत जल्दी नहीं कर रही हो? तो कहती है, मैम इस लॉकडाउन के ओपन होने पर ही शादी हो जाएगी, और जब ओपन होगा फिर मैं रिजॉइन करने में थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी, मेरा होम टाउन थोड़ा सा दूर है ना, इसलिए आई होप यू कैन मैनेज इट मैम प्लीज़। और ये बोलकर चली जाती है। अधिका का फिर यहाँ पर दिल टूटता है और फिर वो ईरा के पास जाती है बात करने के लिए, तब ईरा का एक मैसेज आता है कि आई कॉन्ट टॉक यू राइट नाउ, जस्ट वेट, ऐसे करके। फिर यहाँ पे अधिका बहुत ज़्यादा तड़प रही रहती है, ऐसा उसको चाहिए था कि जिसके साथ वो अपने दिल की बात शेयर कर सके, कोई उसे समझा सके, और वहाँ पे अधिका के पास कोई भी नहीं रहता है। फिर अधिका इतनी ज़्यादा टूट सी जाती है, टूटने लगती है, बहुत ज़्यादा टूटने लग जाती है कि उसको समझ में आता है। तब उसको ना एकदम से एक कॉल आता है और वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड का कॉल रहता है जो एक्चुअल में अभी एट करंट USA में रहती है। तो USA में उसको उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बोलती है कि हेलो। तो कहती है कि
क्या हो गया है? मुझे पता, अभी पता चला कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। सब कुछ ठीक तो है? तो वो कहती है, तुझे अब टाइम मिला है मुझसे बात करने का, इतने दिनों से तू कहाँ थी? तो कहती है, सॉरी यार, मैं थोड़ा सा अपने ही प्रॉब्लम्स में उलझी हुई थी। एंड सब कुछ ठीक तो है ना? तो वो कहती है कि हाँ, एक्चुअली मुझे ये पता चला तेरी कज़न अफ्रीका से, अफ्रीका ने मुझे बताया कि यार ये सब प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो तभी वो बोलती है, हाँ तू तो मुझसे कम अफ्रीका से ज़्यादा बातें करती है। तो वो कहती है, यार अफ्रीका मेरी गर्लफ्रेंड है, ऑफ कोर्स मेरी उससे ज़्यादा बात होगी, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो वो कहती है, एक मिनट, व्हाट यू सेड दैट? कहती है, आई सर अर्थिका इज माई गर्ल फ्रेंड। तो कहती है, बट तूने मुझे को बताया नहीं कि अर्थिका ने भी मुझे नहीं बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड तू है। तो कहती है, शायद भूल गई होगी बताना। तो कहती है, इमली यार हद हो गई है यार। तो कहती है, पहली बात तू इमली बोलना बंद कर, इट्स आमली, ओके इट्स एमली। यार मैं यूएसए में हूँ, एमली बोला जाता है, तू इमली मत बोल। तो कहती है, नहीं, जब तू हाँ इंडिया में थी तेरा नाम इमली था। तो कहती है, कम ऑन यार। तो कहती है, क्या सीरियसली बोलो एमली, मुझे तेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी यार। थैंक गॉड यू कॉल मी, एंड आई एम फीलिंग सो लो राइट नाउ। तो कहती है, कम ऑन, पता क्या हो गया है? तू बोले तो मैं आ जाऊं क्या यहाँ पर तुझसे मिलने के लिए? तो कहती है, तू इंडिया में आ रही है? तो कहती है कि बस ये जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म होगा मेरी फ़्लाइट बुक हो चुकी है, मैं इंडिया बहुत जल्दी आने वाली हूँ। तो कहती है, फ़्लाइट बुक हुई है ना, अभी आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, प्रॉब्लम 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 बहुत ज़्यादा है। तभी वहाँ से वो हंसते हुए बोलते, ऑफकोर्स जब ट्राइंगल लाइफ में हो ना तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तभी अर्पिता कहती है, क्या मतलब? तो कहती है, ऑफ कोर्स वो तुम्हारी सो कॉल्ड मैरिड गर्लफ्रेंड है और एक इंटर्न है जो तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, अब ट्रायंगल चल रहा है तो काफ़ी ये प्रॉब्लम होगी ना। तो तभी अर्पिता बोलते हैं, एमली तुझे सब कुछ पता है? तो कहती है, बोला ना अर्पिता मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे कैसे नहीं पता होगा, ऑफ कोर्स मुझे पता है। तो कहती है, क्या करूँ बता? तो कहती है, प्रॉब्लम कहाँ आ गई है? एज़ यूजुअल तेरी लाइफ में जब भी कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है ना, रोशनी की किरण तो सिर्फ मैं ही लेकर आती हूँ। है मेरा नाम एमली कम रोशनी रखना चाहिए था मेरे घर वालों को। तो तभी अद्रिका कहती है, हो गया तेरा, अब बोल। तो कहती है, अच्छा तू बता क्या हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारी अर्पिता रहती है वो बहुत शॉर्ट में उसे बता देती है, लाइक कि यार ईरा क्या प्रेग्नेंट है और वो ये लाइफ चल रही है, यहाँ पर वो शादी कर रही है शनाया, मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ। तभी अर्पिता सारी सिचुएशन जब उसे बहुत शॉर्ट में और मतलब अच्छे से बताती है, तभी वहाँ से एमली का डिसीजन आती, कहती है, यू आर फूल ब्लडी, आई मीन लाइक ओनली यू आर फूल पर्सन। तो कहती है, क्या मतलब? तो कहती है, ऑफ कोर्स एक मैरिड है जो अपनी अपनी मैरिड लाइफ को जी रही है, स्टिक नो वन कैन बिजी एट ऑल, नो वन इज सो मच बिजी एट ऑल, कि तू उसे एक 3-4 दिन से कंटिन्यूस मैसेज कर रही जा रही है, ये बोले जा रही है कि तुझे ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिल रही है, एंड स्टिल शी वॉज इग्नोरिंग यू, एंड स्टिल शी इज नॉट मैसेजिंग यू, इट्स मीन्स दैट शी इज़ अ बिजी ऑन विथ समवन एल्स। सिंपल सी बात है ना यार, आई मीन तू तो साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट है, मुझे तुझे समझाना पड़ रहा है। तो तभी अर्पिता कहती, तू भी तो साइकोलॉजिस्ट है ना? तो कहती, यस आई एम ऑल्सो, बट यार हमें पता होता है कि यार जब देखो हमारी लाइफ में एक एम्प्टी स्पेस सबकी होती है, अगर उस एम्प्टी स्पेस में अगर वो कोई और हमारी फिल कर रहा है तो वो तुझे याद क्यों करेगी? सिंपल सी बात है ना, आई मीन आरफ उसका ख्याल रख रहा है, आरफ उसकी नीड पूरी कर रहा है, आरफ उसका ऑल द टाइम है, तो वो तुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, तेरे मैसेजेस को इग्नोर कर रही है, तेरे कॉल पर वो लिख कर भेज रही है, तू उसे कॉल कर रही है तो वो तुझे मैसेज ड्रॉप कर रही है, कांट टॉक यू राइट नाउ, और जब भी वो तुझे बार बार एक ही चीज़ बोले जा रही है कि दैट शी इज़ अ मैरिड वूमेन, तो इट्स मीन्स दैट कि वो अपनी प्योरिटी बता चुकी है कि यार अब तुम मेरी वो प्योरिटी नहीं रही हो, अब मेरी प्योरिटी आरफ हो चुका है।
तो यहाँ पर सब कुछ एकदम पानी की तरह क्लियर क्रिस्टल है कि यार अब तुम्हें उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। अब रही बात यहाँ पर शनाया की, तो मैं यही बोलना चाहूँगी यार, शनाया को तुम्हें अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए, तुम्हें उसे उससे अपना प्यार कन्फेस करना चाहिए, उसे ट्रुथ, वो हर्ट हुई है उसे, वो चीज़ों के लिए तुम्हें मनाना चाहिए। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू सी द फ्यूचर, एंड अगर शनाया तुम्हें बाबा यही कहती है कि ये सिचुएशनशिप है, तो मैं उसके साथ एग्री करती हूँ। एंड जो तुम जिस टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को एंड करो और गिव इम्पोर्टेंस टू दैट ब्यूटिफुल गर्ल हु आर टेकिंग अ केयर ऑफ यू। तो कहती है यार पर मैंने तो उसे हर्ट कर दिया, अद्रिका बोलती है। तभी वहाँ से आमली कहती है ऑफकोर्स उन्होंने उसे हर्ट किया है, लेकिन तुझे उसे मनाना चाहिए, उसे तुझे अपनी ट्रू फीलिंग्स बतानी चाहिए, उसे ये बोलना चाहिए कि यार क्या है, वो एक्सेप्ट करेगी। यार कोई प्यार करता है तुमसे और तुम उसको ये कहो कि लस्ट पूरी करी है, तो बुरा तो लगेगा ही ना, साई सी बात है। तो कहती है यार वो सब तो मुझे समझ में आ रहा है, बट तो कहती है फर्स्ट ऑफ ऑल शनाया के पास जाने से कोई भी मतलब नहीं है। शनाया एक ही चीज़ कहेगी कि क्या आपने अपना रिलेशनशिप एंड किया ईरा से, देन यू गो टू कम बैक। एंड जब उसने इतनी बड़ी बात कह दी कि स्टेपनी मत समझ लो, तो जाहिर सी बात है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टॉक विद ईरा एंड यार अपने ये जो टॉक्सिक रिलेशन जो तेरा भी हो गया है उसे एंड कर, उसे एक अच्छी फ्रेंडशिप के डायरेक्शन पे ले जा, और जिसे तू अब पसंद करने लगे उसे ऐसा रिलेशन में जा। It's my opinion and it's my simple suggestion to you. अब आके तेरी मर्जी। तभी अद्रिका कहती है Emily you are right, but उससे कैसे ब्रेकअप करूँ। तो कहती है ब्रेकअप क्या करना है, ब्रेकअप तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा ना, तुझे सिर्फ उसे ये बोलना है कि यार तू उसको सिर्फ इतना बोल कि प्लीज़ गिव अस सम इम्पॉर्टेंट टाइम टू मी, प्लीज़ मीट मी, I want to discuss some important things. अगर वो genuinely तुझे feel करती है तो वो बात करेगी। और यार जब relationship start हुआ था तब तुम दोनों के बीच में understanding थी, अब relationship end होगा तो भी understanding से end करो ना, I mean you know how to deal with that, okay? तो वह कहती है okay, चल मैं phone रखती हूँ। तो कहती है of course bye, वैसे भी मेरी girlfriend का call आ रहा है, मुझे रखना चाहिए, bye bye। तो यहाँ पर अद्रिका यहाँ से जाती है, अपनी मॉम की तरफ देख रही रहती है थोड़ा, फिर वो ईरा को मैसेज करती है दिस इज़ द राइट टाइम टू वी कैन टॉक। तभी वहाँ से ईरा का मैसेज आता है सॉरी मेरे बाजू में आरफ बैठा है, आई कॉन्ट टॉक यू, और आरफ को मेरा मोबाइल चलाना ठीक नहीं लगता है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो मैं जल्दी करती हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर अब अद्रिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और बुरा भी लग रहा था कि यार ये क्या हो चुका है, मतलब मैं कब से इसके पीछे पड़ी हूँ। शनाया वहाँ पर अपनी ट्रीटमेंट करती है और ये दिन इसी तरीके से बीत जाता है। फाइनली फाइनल दिन आ जाता है जहाँ पर उसके मॉम को घर लेकर जाया जाता है, अद्रिका अपनी मॉम को घर लेकर जा रही रहती है और शनाया वहाँ पर आंटी को हक करते हुए बोलती है कि अब आप काफ़ी ज़्यादा ठीक हो, कोविड फ्री हो, लेकिन किसी के भी संपर्क में मत आना, बहुत अच्छे से समझाती है और कहती है। तभी उसकी मॉम कहती है बेटा तुम घर चलो हमारे साथ, तो कहती है आंटी आज शाम को मेरे लिए कार आ रही है और मैं अपने मॉम एंड डैड के घर जा रही हूँ। तो कहती है ठीक है, और आंटी मैं आपको बहुत जल्दी एक इन्विटेशन भेजने वाली हूँ, आपको आना है, आप भूलना मत। तो कहती हैं ओके शादी का इनविटेशन, तो हंसते हुए बोलती है यस आंटी मेरी शादी का इनविटेशन है, डोंट वरी। तो तभी यहाँ पर जो अद्रिका ऐसे सुनती है तो उसे बुरा लगता है। तभी अद्रिका की जो मॉम रहती है वो अद्रिका के फेस की तरफ देख रही रहती है और उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रहा रहता है। अद्रिका बोलती है मैं सामान कार में रख देती हूँ, तो वो कहती है कि तभी दोनों सर हिलाते हुए बोलते हैं। तभी अद्रिका की मॉम पूछती हैं क्या तुम सच्चे में शादी कर रही हो शनाया। तो शनाया बोलती है आंटी शादी तो हो रही है, क्या कर सकते हैं, और वो उनके कान में कुछ बोल देती है।
तभी अजगर की मॉम हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है, सुनो कंटिन्यू विद दिस, शी एक्चुअली लव्स यू एंड शी विल कन्फेस हर लव टूवर्ड्स यू, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। तो कहती है, नहीं आंटी, कुछ रिलेशनशिप सिर्फ ऐसे ही होते हैं जिनका कुछ नाम नहीं होता और हमारा कुछ हो नहीं सकता है। तो कहती है, सब हो जाएगा, डोंट वरी, मेरा आशीर्वाद है, मेरे घर की बहू बनने के लिए तैयार रहना। तो कहती है, आंटी यहाँ शादी हो रही है और आप वो बोल रहे हो। तो कहती है, कुछ नहीं। फिर ऐसे अधिका की मॉम चली जाती है, अधिका का पूरा मूड ऑफ रहता है, वो किसी से बात नहीं कर रही रहती, कुछ नहीं कर रही रहती है। तभी वहाँ से ईरा का मैसेज आता है और लिखती है कि हाँ अब बोलो, तुम मुझसे कुछ बात करना चाह रही थी। तभी अधिका वहाँ से लिख के भेजती है, ईरा आई वॉन्ट अ ब्रेकअप विथ यू। ईरा जैसे ही ये मैसेज पढ़ती है वो एकदम से शॉक हो जाती है और पैनिक हो जाती है। तभी वो लिख के भेजती, व्हाट द हेल, तुम क्या बातें कर रही हो, कुछ भी, और ऐसे बोले जा रही रहती है। अधिका गाड़ी भी चला रही रहती है और थोड़ी थोड़ी में मैसेज कर रही रहती है कि नहीं मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच्ची में तुमसे ब्रेकअप करना है अब, और ऐसे मैसेज भेज देती है। तभी वहाँ से ईरा एकदम से मैसेज करके बोलती है, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा, तुम क्या बात कर रही हो, मुझे नहीं देना है तुम्हें ब्रेकअप, एंड यू लव मी, आई लव यू, और ओके फाइन, हाँ मैं तुमसे थोड़े दिन बात नहीं कर पाई पर इतना तो एडजस्टमेंट होना चाहिए ना, ऐसा ऐसा क्या है। तभी वहाँ से एकदम से अधिका की मॉम कहती हैं, अधिका, तो अधिका बोलती है, यस मॉम। तो कहती, गाड़ी ढंग से चला लो, या तो तुम साइड में गाड़ी रोक के चैट कर लो या तो तुम गाड़ी चला लो। तो कहती है, सॉरी मॉम, और ऐसे कहती है। यहाँ पर जो अधिका होती है वो गाड़ी लेके जाती है, फिर अपनी मॉम को आराम से कार से उतारती है। फिर वहाँ पे उसके डैड भी आ चुके रहते हैं, अब उसके डैड भी कोविड फ्री हो चुके रहते हैं क्योंकि इतने दिन से वो भी अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो फिर सब लोग वहाँ पर जाते हैं, लेकर जाते हैं। तभी वो अपने डैड की तरफ बोलती है कि डैड आप देख लो। तो डैड तो कार्डियोलॉजिस्ट रहते हैं और उनको ये सब चीज़ों का पता रहता है, तो वो सारी फाइल्स वगैरह पढ़ने लगते हैं और मेडिसिन वगैरह देखने लगते हैं। और वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन अभी वीकनेस तो बहुत ज़्यादा रहेगी क्योंकि इसके लंग्स जो थे वो 40% डैमेज हो चुके थे। तो वो इट्स अ लॉस, मतलब विद इन दी 1.5 days 40 मतलब लंग्स डैमेज होना बहुत बड़ी बात थी। तो उसके डैड जो होते हैं वो कहते हैं कि अधिका मैं देख लूँगा। अधिका यहाँ से जाती है, बिकॉज वो हॉस्पिटल से आई रहती है तो सबसे पहले वो जाती है, वो फ्रेश होती है, नहाती धोती है और नहा धो के आराम से फ्रेश होके अपने जब आती है और आकर वो अपना फ़ोन की तरफ देखती है तो वहाँ पर देखती है कंटिन्यूस बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, जिस मैसेजेस में लिखा रहता है ईरा कि यार मैं थोड़ी देर तुमसे बात नहीं कर पाई तो क्या ब्रेकअप कर दिया, क्या तुम्हारा शनाया के साथ चल रहा है, क्या तुम्हें शनाया इतनी ज़्यादा पसंद आने लगी, क्या अब तुम्हें मेरे से प्यार नहीं रहा, हाँ हाँ अब तुम्हें कैसे रहेगा, अब तो तुम्हें वही मिलने लग गई है, ये वो सब कुछ बहुत कुछ लिखा रहता है। ये मैसेजेस पढ़ के अधिका का दिमाग ख़राब होता है। अधिका कॉल करती है, तभी वहाँ से जो ईरा होती है वो फटाक से कॉल उठाती है। तभी अधिका से बोलती है, क्या हो गया तुम्हें, तुमने मतलब मुझे दिमाग खराब करके रख दिया है क्या ईरा, हर चीज़ में शनाया 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 लेकर आती हो, और प्लीज़ डोंट इन्वॉल्व शनाया इन ऑल दिस थिंग्स। यार ठीक है यार, तुम्हारे और मेरे बीच में रिलेशनशिप एंड करने की वजह शनाया नहीं है, एंड ईवर करने की वजह यह है कि अब ये रिलेशनशिप नहीं रहा है, तुम्हारी प्रायोरिटीज ऑलरेडी आउट ऑफ सेट हो चुकी है, तुम्हारी प्रायोरिटी तुम्हारा होने वाला बच्चा है तो तुम उस पर ध्यान दो ना, तुम काय को पीछे पड़ी हुई हो, काय को ये बोले जा रही हो कि रहना है। तो कहती, यार तुम्हें भी समझना चाहिए कि हम लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, मैं एक वैरिड वूमेन हूँ, मेरे पास यहाँ पर इतना सब कुछ काम है, मैं तुम्हें नहीं दे पा रही हूँ टाइम, मैं तुम्हारे साथ नहीं हो पा रही हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम ब्रेकअप करोगी। तभी अधिका कहती है, ब्रेकअप सिर्फ लॉकडाउन की वजह से नहीं है, ब्रेकअप की वजह ये है कि आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड दैट नाउ आई एम फीलिंग लाइक कि यार मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे पा रही हूँ जो तुम्हें चाहिए, और तुम भी मेरे साथ वो प्यार नहीं ले पा रही हो जो तुम्हें देना चाहिए मुझे, या तुम्हें चाहिए, तुम्हें जो भी लव और अफेक्शन मुझसे चाहिए था वो अब तुम्हें देने वाला ऑलरेडी आरफ आ चुका है, तो यार अब तुम्हें मेरे से क्या चाहिए, जब तुम्हारी लाइफ में अब ऑलरेडी एक अच्छा पार्टनर है तो तुम उसके साथ रहो ना, क्यों क्यों तुम ये चाहती हो कि तुम दो नाव पे सवार करो, कम से कम मुझे आज़ाद करो,
प्लीज़ तो कहती कि मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ, और रही बात आरव की तो आरव है वो रहेगा मेरे पास, लेकिन तुम भी मेरी हो। तभी अर्थिका कहती है कि ये कैसी जिद है ईरा कि तुम्हें लेकर चलना है, तुम ऐसा मत करो, तुम दो नावों पे मत सवार हो। तो कहती मैं दो नावों में कल भी सवार थी और आज भी सवार हूँ, मेरी दोनों नाव अच्छे से चल रही थी। ये कहो ना कि तुम्हें शनाया पसंद आ गई और तुम्हें शनाया के साथ रहना है। तो तभी वहाँ से अर्थिका कहती है प्लीज़ एंड ऑफ दिस टॉपिक राइट नाउ, आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ, और अर्थिका की वो फ़ोन काट देती है। फिर वहाँ से वो फ़ोन काट के अपनी मॉम के पास चली जाती है। वहाँ पर ट्रीटमेंट होने लगता, ट्रीटमेंट जो रहता है उसे डैड बताते हैं, और वो बाहर जाती है कार और मेडिसिन लेकर आती है और वहाँ जाती है। उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा आंसू थे, और जैसे वो वहाँ से जाती है तो वो हॉस्टल से होते हुए जाती है, तो वो हॉस्टल से एकदम से शनाया से मिलती है और शनाया को बोलती है, शनाया तो शनाया बोलती है दिस इज़ प्लीजेंट सरप्राइज मैम, आप यहाँ कैसे? तो तभी वो कहती है कि सुनो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात कहनी है। तो कहती है कि हाँ, तो कहती है देखो प्लीज़ शादी मत करो, शादी का डिसीजन बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं ले रही हो तुम, देखो तुम अभी बच्ची हो, ये चीज़ें सही नहीं है, तुम थोड़ा सा वक्त लेके शादी नहीं कर सकती हो क्या? तभी शनाया कहती है पर मैम मेरे शादी करने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? तो अर्थिका कहती है वो एक्चुअली फ़र्क तो ये पड़ता है ना, तुम मैरिड वूमेंस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है उन लोगों के लिए, ऑफिस आना, फिर वो इंटर्नशिप्स करना, वो सब चीज़ मैनेज करना, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स बिकम अ सो डिफ़िकल्ट ना। तो शनाया उनके पास आती है, उनकी आंखों में आंखें डाल के करीब से पूछती है क्या सिर्फ यही एक रीज़न है या कोई और रीज़न है? अर्चिका बोलती है यही एक रीज़न है बस, प्लीज़ शादी मत करो। तो तभी शनाया को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है, वो थोड़ा पीछे होके बोलती है अगर आपको इसी बात की फ़िक्र है कि मैं ये दोनों को कैसे मैनेज करूँगी तो मैं आपको बोलती हूँ कि मैं काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लूँगी, डोंट वरी फॉर दैट। और ये बोलकर शनाया वहाँ से चली जाती है। अर्थिका की आंखों में आंसू थे, वो बता ही नहीं पा रही थी, वो सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि अगर उसका ईरा के साथ ब्रेकअप होगा तो वो पक्का उसे प्रपोज करेगी और उसके साथ आगे जाने का सोचेगी, और पर वो अभी लॉयर है किसी और के साथ, उसका ब्रेकअप ही नहीं हुआ है तो कैसे करे। और वो ब्रेकअप भी ऐसे नहीं करना चाहती थी ईरा से, क्योंकि वो ईरा के साथ उसको समझा के प्रॉपरली एंड अप करना चाहती है ताकि उसके साथ एक अच्छी हेल्दी फ्रेंडशिप भी बनी रहे। अर्चिका के दिमाग में ये चल रहा था। थोड़ा टाइम ऐसे ही बीत जाता है और वो वहाँ पे से टर्न होती है, अपनी कार पकड़ती है, चुपचाप घर जाती है, वहाँ पे मेडिसिन देती है और अपने बेडरूम पे जाकर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे रोने जैसा मुँह हो जाता है। ईरा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो जाती है, टेंशन होने लग जाती है और वो उसको भी रोना बहुत आ रहा रहता है, ईरा भी बहुत रो रही थी। तभी आरफ जो आता है वो देख लेता है, आरफ उसे बोलता है कि क्या हो गया तुम क्यों रो रही हो अर्थिका की वजह से, अर्थिका ने तुम्हें हर्ट किया है क्या? तभी वो कहती है नहीं अर्थिका ने मुझे मतलब मैं अर्थिका ने हर्ट नहीं किया है, लेकिन हाँ कुछ हमारी बीच में ऐसी कन्वर्सेशन हुई है जिसकी वजह से हम दोनों हर्ट हो गए। तभी वो कहती है कि यार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई मेरी वाइफ को हर्ट करे, तुम्हारी खुद की बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी खुद की बेस्ट फ्रेंड अगर तुम्हें नहीं समझ पा रही है तो क्या फ़ायदा, उसे समझना चाहिए कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें ऐसी टेंशन वगैरह कुछ ना दे, लेकिन अगर उसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ये चाहूँगा कि तुम उसके साथ ये दोस्ती वगैरह क्या है तुम ये सब छोड़ो। तो वो कहती है क्या छोड़ो यार, कैसे छोड़ दूँ मैं उसको, वो मेरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती हूँ, आरव को ईरा कहती है। तभी वो कहती है कि यार मुझे पता है कि तुम्हारे लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट यार तुम मेरी बात तो समझो, लेकिन अभी एट प्रेजेंट तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बेबी है और कुछ नहीं होना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए, तुम प्लीज़ क्यों नहीं समझ रही हो, तुम मैं तुम्हें सिर्फ उन चीज़ों से दूर रखना चाहता हूँ तो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है, और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर तुम थोड़े टाइम अगर डिस्टेंस मेंटेन करोगी मतलब अर्थिका से तो तुम्हें भी समझ में आएगा और अर्थिका को भी तुम्हारी वैल्यू समझ में आएगी और दोनों के बीच में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी। और ऐसे बोलकर यहाँ पर जो हमारा आरफ होता है वो मतलब अर्थिका ये
ईरा के आंसू पोंछता है, ईरा को वहां से पानी पिलाता है और कुछ मेडिसिन जो होती है वो देता है, वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, मतलब ऐसे कुछ 15 डेज अराउंड ख़त्म हो जाते हैं। इस 15 डेज अराउंड में हमारी जो अद्रिका होती है वो ईरा को बात तो करती है और ईरा से हर बार मिलने का और हर बार मिलते हुए ये बोलती है कि प्लीज़ तुम मिलो मुझसे, मुझे तुमसे ये करना है, पर मतलब ब्रेकअप करना है, और वहाँ पर वो उसे ब्रेकअप के लिए अलाउ नहीं करती है। ऐसे दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े 15 डेज से चलने लग गए थे। बीच बीच में तो ऐसा होता था कि कुछ कुछ दिनों के गैप में तो ईरा और अद्रिका दोनों साइलेंट हो जाते थे और बात ही नहीं करते थे, पर इस ड्यूरेशन में जो अद्रिका थी वो अपने आप को संभाल चुकी थी। उसे शनाया की याद तो आती थी बट वो शनाया से अपने आप को हैंडल कर चुकी थी। वो ये समझ चुकी थी कि अब कोई किसी का नहीं होता है, उसे जब ज़रूरत है तो ईरा तो डेफिनेटली उसके पास नहीं आना चाहती है। और ऐसा नहीं था कि वो तड़पी नहीं थी, वो बहुत तड़प रही थी कि वो ईरा से मिले, ईरा से बात करे, ईरा के साथ देखे, लेकिन जो ईरा थी वो सुनने के लिए रेडी थी नहीं। और ईरा का तो सिंपल सा ये था कि यार मैं अभी मैरिड हूँ तो मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती हूँ, ये वो, उसका वो अलग नाटक चल रहा था। और यहाँ पर अद्रिका भी अब ये चीज़ समझ चुकी थी कि बस अब बहुत हो गया है, अभी उसे इतना पीछे नहीं पड़ना चाहिए ईरा के लिए, और अब वो उसे शनाया से बात करके अपने करना चाहिए। फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो बैठी हुई रहती है, तभी उसे व्हाट्सएप पे एक मतलब व्हाट्सएप आता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। तो जैसे ही वो व्हाट्सएप पे मैसेज ओपन करती है तो वो मैसेज और किसी का नहीं, वो शनाया का रहता है। वो देख के तो अद्रिका काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, और जैसे ही वो उस मैसेज को देखती है तो वो एक्चुअल में इनविटेशन कार्ड रहता है, मैरिज का इनविटेशन कार्ड रहता है। और जिसे देखकर अद्रिका की तो हालत ख़राब हो जाती है, और उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि यहाँ शादी है, ये है टाइम है वगैरह। वो ये सब देखती है तो उसका इतना दिल टूट जाता है कि उसको रोने जैसी हालत होने लग जाती है। वो मतलब 15 डेज में वो अपने हॉस्पिटल में भी मतलब जाती थी, काम करती थी और ठीक था, लेकिन अपने आप को संभाल लिया था उसने। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि शनाया का व्हाट्सएप, वो टूट सी जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। और इसी ड्यूरेशन में वो ईरा का भी कॉल आ जाता है, तो ईरा उसे बोलती है कि अद्रिका सुनो ना, तुम ठीक तो हो ना? तो अद्रिका रोते हुए बोलती, ईरा मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे अभी तुमसे कुछ ज़रूरी बात नहीं करनी है, तुम मेरे को कभी समझ ही नहीं पाई हो, तुम बस मुझे ऐसे रिलेशनशिप में ज़बरदस्ती रखना चाहती हो जिसमें तुम सिर्फ अपना स्वार्थ देख रही हो, तुम्हें सामने वाले की इम्पोर्टेंस और नहीं है, और हालांकि मेरी लॉयल्टी और मेरी ऑनेस्टी ही मुझे ले डूबेगी एक दिन, तुम्हें कभी समझ में नहीं आता है, तुम कभी नहीं समझ सकती हो। और ये कह के वो फ़ोन रख देती है। यहाँ पर ईरा को भी समझ में नहीं आता कि बाप रे क्या हो गया है, कैसा हो गया है। ईरा को भी यहाँ पर मतलब ऐसा था कि उसे बहुत फिक्र तो थी, लेकिन अब वो भी क्या करे, हर चीज़ में फंस जाती है। फिर थोड़े टाइम के बाद जो अद्रिका होती है वो जो अद्रिका को वो मैसेजेस कर रही रहती है ईरा, पर अद्रिका तो रो रही रहती है करती है। और कुछ दिन इसी में बीत जाते, 3-4 दिन ऐसी बीत जाते हैं, और जिसमें अद्रिका जो होती है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करती है, किसी के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करती। तभी वहाँ पर जो हमारी ईरा होती है वो भी मैसेजेस बार बार करे जा रही थी। तभी अद्रिका उसे बोलती है कि मुझे तुमसे मिलना है और मिलकर बात करना है। और लेकिन इस 5 दिन में अद्रिका ने अपने आप को फिर से भी कई हद तक संभाल लिया था, अब वो क्लियर थी कि उसे क्या चाहिए। अभी तक तो ऐसा चल रहा था कि वो क्लियर नहीं है कि अभी उसको ये चाहिए वो चाहिए, मतलब नहीं था, लेकिन अब उसको ये चीज़ डिसाइड हो गई थी कि वो शनाया के पास जाकर शनाया को ये ज़रूर कहेगी कि दैट कि ये शादी मत करो, आई रियली वॉन्ट।
ईरा को भी जब ये अर्चि काका ऐसा रोना हुआ दिखता है तो उसे भी बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगता है, और उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे जिससे वो उसे समझा सके कि उसे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है उसके रोने से। अर्चि का यहाँ पर टूट सी जाती है, उस रात बहुत रोती है, बहुत रोती है, बहुत रोती है। फिर वो रोने के बाद वहीं पर सो जाती है। जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो वो अपने हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल जाने के लिए काम करना स्टार्ट कर देती है। थोड़े दिन के बाद नहीं, हॉस्पिटल में काम करना स्टार्ट कर देती है। थोड़े दिन ऐसे ही उसके काम पे जा रहे रहते हैं वगैरह। और जब भी ईरा का कॉल आता था वो यूज़ टू अवॉइड करती थी। जब बहुत ज़्यादा ईरा एकदम अति कर देती है कॉल करके, तभी वो एकदम से फ़ोन उठाती है ईरा के और कहती है, बोलो बोलो ईरा, क्या चाहती हो तुम? तो ईरा बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए अद्रिका, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुमसे बात ही नहीं कर रही हूँ यार। ये क्या बात हो गई यार, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है कि तुम मुझसे आजकल बात ही नहीं करना चाहती हो यार, कुछ तो बात करो। तभी वहाँ से अद्रिका कहती है, ईरा क्या बात करूँ मैं, हमारे बीच में बात होती कहाँ है, हमारे बीच में तो सिर्फ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और तुम्हें नहीं लगता कि ये रिलेशनशिप अब बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुका है? मैं सिर्फ तुमसे यही चाह रही हूँ कि तुम अपनी लाइफ में हैप्पी हो, आरव के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हो, तो तुम रहो यार आरव के साथ हैप्पी, बट एटलीस्ट मुझे तो आज़ाद कर दो इस रिलेशनशिप से। मैं तुमसे आज़ादी मांग रही हूँ, मैं तुम्हें, जब तक तुम मुझे इस रिलेशनशिप से आज़ाद नहीं करोगी तब मैं नहीं जाके अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, क्योंकि मैं लॉयर हूँ तुम्हारे साथ, मैं किसी को धोखा दे के चीट नहीं कर सकती हूँ, प्लीज मुझे आज़ाद करो। तभी वहाँ से ईरा कहती है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और आ चुका है और दैट्स वाई तुम मुझसे आज़ादी मांगना चाहती हो और तुम किसी और से प्यार करने लगी हो, क्या तुम ये कहना चाहती हो? तभी अर्चिका कहती है, ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ मैं ईरा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अब हमारे बीच में वो लव और वो अफेक्शन और वो अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं रही है जिसके लिए हम ये दोनों इस रिलेशनशिप में आए थे। तुम्हें तो लव लव चाहिए, तुम्हें अपनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कोई तुम्हें समझे, वो इंसान तो तुम्हें ऑलरेडी मिल चुका है ना, तुम अपनी लाइफ में, तुम्हारी प्रायोरिटी सेट है, तुम एक मैरिड वूमन हो, ऊपर से तुम एक मॉम बनने वाली हो, तुम्हारी प्रायोरिटीज ऑलरेडी सेट हो चुकी है, तो तुम उसे दो ना, कम से कम मुझे इस रिलेशनशिप से आज़ाद करो ताकि मैं आगे जाके अपना तो फ्यूचर देख सकूँ, तुम मुझे आज़ाद ही नहीं कर रही हो। तो ईरा कहती है, तुम मुझे सच बताओ कि तुम्हें तो आज़ाद करूँगी ना? तभी अर्चिका कहती है, सच से क्या मैटर करता है, सच से ये मैटर हो इम्पॉर्टेंट है कि अब हमारे बीच में प्यार नहीं बचा है, हम दोनों एक ऐसे मोड़ पर आ जाएंगे, एक दूसरे को ब्लॉक कर दें और एक दूसरे की शक्ल ना देखें, वो मोड़ पे लाके खड़ा मत करो ईरा, मुझे प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ये चाहती हूँ कि हम इस चीज़ की एंडिंग बहुत अच्छे से करें, एक हेल्दी तरीके से एंड करें, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे होने वाले बच्चे से भी बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी, बस फ़र्क इतना रहेगा कि अब ये फ्रेंडशिप वाला लव होगा, अब ये वो वाला लव नहीं होगा, क्या तुम इतनी सी चीज़ मुझे नहीं दे सकती हो? तब ईरा कहती है, यार देने को तो मैं दे सकती हूँ बट मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तुम मुझसे दूर जाओ। तभी अर्चिका कहती है, यहाँ सेल्फिश मत बनो ईरा, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़। तभी ईरा कहती है कि यार, पर अर्चिका तो कहती है कि प्लीज़ हमें हमें समझना चाहिए प्लीज़, और ये बोलकर ये अर्चिका ऐसे बोल रही रहती। तभी वहाँ से जो आरफ आता है बोलता है, तुम पागलों की तरह रो क्यों रही हो, तुम्हें अर्चिका से बात करने को मैंने मना किया था ना, तुम बार बार अर्चिका से बात करती हो और फिर रोने लग जाती हो, अर्चिका ऐसे ऐसे बात मत करो। तभी वो आरफ एकदम से अर्चिका का फ़ोन लेता है और बोलता है, अर्चिका लिसन टू मी यार, यार क्या है, तुम्हें पता है ना वो प्रेग्नेंट है, तुम क्यों उसको रुलाती रहती हो, अरे तुम्हारे लड़ाई झगड़े हैं यार, ये बच्चों वाले लड़ाई झगड़े को बंद करो, शी इज प्रेग्नेंट नाउ, प्लीज डोंट डू दैट टू विथ हर, यार तुम तो एक डॉक्टर हो, तुम तो समझती हो ना। तभी अर्चिका कहती है, मैं समझती हूँ इसलिए मैं उसे समझा रही हूँ, उसे बोलो कि वो मुझे कॉल और सब करना बंद कर दे ताकि मैं उसे हर्ट भी ना कर सकूं, और आरफ अब तुम हो ना उसका ख्याल रखने के लिए, तो मेरी ज़रूरत की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है उसे समझा दो। तो आरफ भी यहाँ पे गुस्से में रहता है, तो कहता है, हाँ हाँ मेरी बीबी है, मैं सब संभाल लूँगा उसे, वो तुम्हें आज के बाद कॉल भी नहीं करेगी और चैट भी नहीं करेगी तुमसे, ओके, और ऐसे करके वो फ़ोन रख देता है। यहाँ पे ईरा बोलती, तुम पागल हो क्या, तुमने उसे ऐसे क्यों बोला? तो वो कहती है कि तुम्हें क्या है पता है वो कितने एटीट्यूड में तुमसे बात कर रही थी, वो तुम्हें कैसे हर्ट कर रही थी, उसे अलाउ नहीं है जिस तरीके से हर्ट करना। तभी ईरा कहती है कि नहीं, तभी ईरा यहाँ पर जो रहती है
उसका जो फोन रहता है वो आरफ लेकर चला जाता है, और आरफ बोलता है कि तुम मुझसे कॉल नहीं करोगे, तुम्हें मेरी कसम है। और इस तरीके से आरफ भी अपनी मनमानी करने लग जाता है ईरा के ऊपर। ईरा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, और अतिका तो वहाँ पे अपसेट रहती है और उसका काम में भी मन नहीं आता। ऐसे 3 से 4 दिन ऐसे बीत जाते हैं जहाँ पे अतिका ईरा से एक भी बार बात नहीं करती है, और ईरा किसी से भी बात करना पसंद ही नहीं करती है। ईरा जो होती है वो साइलेंट हो जाती है। तभी आरफ को उसका इतना मासूम सा, मतलब मायूस सा चेहरा दिखने लगता है। तभी आरफ उसे फ़ोन ला कर देता है और बोलता है कि लो तुम अतिका से के बात करे बिना नहीं रह पाओगे, लो बात कर लो। तभी यहाँ से ईरा जो होती है वो अतिका को बोलती है कि लिसन टू मी बेबी, दिस मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ ब्रेकअप की बात मत करो यार, ऐसे मत बोलो, तुम्हें जो चाहिए तुम रख लो ना, बट मेरे साथ भी तो वैसे ही रिलेशन में रहो, प्लीज़ मेरे साथ वो रिलेशनशिप मत छोड़ो। तभी अतिका कहती है, ईरा मैं 2 नावों पर सवार नहीं हो सकती हूँ, मैं अगर अपनी लाइफ में किसी और को इम्पोर्टेंस दूंगी तो मैं उसी की खुद की पूरी होंगी, मैं तुम्हें भी रखूं उसे भी रखूं, ये तो नाइंसाफ़ी होगी ना, और मेरे बस का नहीं है। और एटलीस्ट मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, प्लीज़। यहाँ पर अतिका के समझाने के बाद भी ईरा को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, वो फिर भी नहीं समझना चाहती थी। तो अब अतिका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, अतिका सिर्फ उसे एक ही चीज़ बोलती है, ईरा तुम अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करो और अपने बच्चे पे पूरा ध्यान दो, और तुम उसके साथ हेल्दी तरीके से रहो। और ये बोलकर यहाँ पर जो अतिका होती है वो फ़ोन रख देती है। फ़ोन रखने के बाद कुछ दिन और ऐसे बीत जाते हैं, और अब लॉकडाउन भी पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका था। जहाँ पे फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, सेकंड लॉकडाउन लगा था, और अब फाइनली सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और लॉकडाउन जब ओपन हो जाता है तब अतिका जो रहती है वो अपने कामों में बिजी हो जाती है, और यहाँ पर जो ईरा रहती है वो अतिका से मैसेजेस करती है। पर अतिका को जब भी वो कुछ भी मैसेजेस करती थी तो वो उसे कुछ मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देती है, वो सिर्फ ये सोचती है कि यार मैं इस पर क्या रिएक्ट करूँ, मैं कुछ भी रिएक्ट करूँगी, यहाँ सिर्फ झगड़े होंगे, मैं इसे बोल चुकी हूँ कि ये ब्रेकअप करे, लेकिन ये ब्रेकअप करती नहीं है, और अलग से हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, फालतू के लड़ाई झगड़े करके क्या मतलब है। तो वो अब हर चीज़ों के लिए इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जब अति हो जाती है मैसेजेस की, जब ईरा इतने मैसेजेस भेज देती है, तब अतिका उसको सिर्फ एक ही रिप्लाई करती है, हैप्पी इन योर मैरिड लाइफ, प्लीज़ फोकस ऑन योर बेबी एंड उसी पे ध्यान दो, अब जो हमारा ये जो रिलेशन था वो एंड हो चुका है, एंड दिस इज़ ओके, नाउ वी आर द गुड फ्रेंड्स, और ऐसे करके बोलती है। तभी वहाँ से ईरा शॉक करके बोलती है, नहीं नहीं नहीं, एक लिमिट तक बहुत हो जाता है, बहुत हाई लेवल हो जाता है, अतिका बहुत इग्नोर करती है, बहुत नॉर्मल रिएक्ट करती है, उसने अब रिएक्ट करना ही छोड़ दिया था। तब जब लास्ट लेवल अप हो जाता है तभी वो एकदम से कहती है अतिका, अब अतिका ईरा को फ़ोन करती है और उसे बोलती है कि ईरा तुम मेरी बात को समझ ही नहीं रही हो, मैं तुम्हें जैसा बोलना चाह रही हूँ तुम नहीं समझ रही हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा बच्चा है अच्छे से रहे, तुम्हारा बच्चा काफ़ी हेल्दी रहे और बहुत अच्छे से रहे, और तुम उसकी अच्छे से परवरिश करो और तुम आरफ के साथ रहो, अब मुझे कोई नहीं है, बस मुझे इस रिलेशनशिप से आज़ादी चाहिए, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। तभी वो समझना नहीं चाहती, तभी हार के अतिका को बोलना चाहिए, बोलना पड़ता है, प्लीज़ ईरा ऐसा मुझे मत लाओ कि मुझे ये फ़ोन में तुम्हें ब्लॉक करना पड़ जाए, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तभी ईरा कहती है, ऐसे मत करो अतिका, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, मुझे फ़र्क पड़ता है तुम्हारी हर एक एक चीज़ से। यहाँ पर भी ईरा को अब समझ में आ चुका था कि जब अतिका अब थोड़ा सा दूर होने लग गई है और हर्ट हो गई है, और उसके दिमाग में से यही चल रहा था कि हाँ भाई शनाया के क्लोज ना चली गई हो, शनाया को पसंद ना करने लगी हो, शनाया के साथ नहीं चल रही रहती है, तब वो उसे बोलने ही वाली रहती। तभी अतिका कहती है कि तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है ईरा, लेकिन हाँ मैं तुमसे अब मिलकर बातें क्लियर करना चाहूँगी, चलो हम मिलते हैं, और ये बोलकर वो बोल देती है उसे मिलने के लिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।